नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। छत्तीसगढ़ में जारी राजनीतिक संकट के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे। भूपेश बघेल पिछले चार दिनों में दूसरी बार राहुल गांधी से मिले हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने राहुल गांधी से एक बार फिर मिलने का समय मांगा है। माना यह जा रहा है कि भूपेश बघेल राहुल गांधी को बनाने में कामयाब रहे हैं और वो बतौर मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल जारी रखेंगे। मुलाकात के बाद उन्होंने दावा किया है कि राहुल गांधी को उन्होंने पत्र आने का निमंत्रण भी दिया है और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की छत्तीसगढ़ इकाई में चल रही रस्साकसी के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कई समर्थक विधायक भी दिल्ली में जमा हो गए हैं, जिसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली में बघेल के समर्थक करीब 30 विधायक मौजूद हैं और राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा के मद्देनजर वे मुख्यमंत्री का समर्थन करने पहुंचे हैं। राहुल गांधी और भूपेश बघेल से मुलाकात के पहले करीब 20 विधायकों ने कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पूनिया से भी मुलाकात की। माना यह जा रहा है कि इन विधायकों ने नेतृत्व परिवर्तन नहीं करने और बघेल को ही मुख्यमंत्री बनाए रखने की पैरवी की है। तो लगातार छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर रस्साकसी का दौर जारी है। भूपेश बघेल लगातार राहुल गांधी से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में बघेल के करीब 30 विधायक जो हैं वो बताए जा रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि राहुल गांधी को भूपेश बघेल मना भी चुके हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। छत्तीसगढ़ में जारी राजनीतिक संकट के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अंशु अवस्थी, कांग्रेस प्रवक्ता, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अंशु जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। आप जिस व्यक्ति तो अंशु जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। छत्तीसगढ़ में लगातार मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर रस्साकसी का दौर जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे थे। भूपेश बघेल पिछले चार दिनों में दूसरी बार राहुल गांधी से मुलाकात कर चुके हैं और इससे ज्यादा अगर हम बात करें तो उन्होंने राहुल गांधी से एक बार फिर से मिलने का समय मांगा है। यानी कि बीते चार दिनों में लगातार वो राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं। इसके पीछे कई मायने जो है वो निकाले जा रहे हैं। माना यह भी जा रहा है कि भूपेश बघेल राहुल गांधी को मनाने में कामयाब रहे हैं। अंशु अवस्थी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अंशु जी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ में अच्छा काम कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की एक अच्छी सरकार चल रही जो छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए, विकास के लिए, रोजगार के लिए काम कर रही, और उसी का परिणाम है कि कांग्रेस पार्टी श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जिला परिषद के चुनाव में भी अच्छी जीत हासिल की, हमें नगर निगमों में भी अच्छी एक सफलता मिली। तो राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता हैं, हम सबके नेता हैं, जो नौजवानों के लड़ते हैं, लिए लड़ते हैं, किसानों के लिए लड़ते हैं, महिलाओं के लिए आवाज उठाते हैं। लेकिन तो श्री भूपेश बघेल जी उनसे जो मुलाकात कर रहे हैं वो एक औपचारिक मुलाकात है। अंशु जी, ये राजनीतिक उठापटक क्यों चल रही है छत्तीसगढ़ में? ऐसा क्या हो गया कि कोई भी राजनीतिक उठापटक नहीं है। हमेशा जो प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं वो राष्ट्रीय नेतृत्व से मिलते रहते हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व से मिलके उन्होंने जो छत्तीसगढ़ का विकास है, छत्तीसगढ़ की जो उपलब्धियां हैं, जो सरकार ने काम किया है, उस पर चर्चा की है। और ऐसी कोई राजनीतिक उठापटक नहीं, हमेशा राष्ट्रीय नेतृत्व से प्रदेश नेतृत्व का संवाद होना तो एक अच्छी बात होती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी तो बुलाने पर नहीं जाते दिल्ली। अच्छा, ठीक है, उनके राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा जो भेजे गए अरविंद शर्मा है उनको तो वो 18वां उपाध्यक्ष बना देते हैं। बीजेपी की बात नहीं हो रही है, यहाँ कांग्रेस की बात हो रही है। तो मैं आपसे कांग्रेस पर करनी पड़ेगी ना,
आप मेरी बात सुनिए, कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश पर राजनीतिक नेतृत्व में किस तरीके से ज्यादा से ज्यादा लोगों में सामंजस्य हो आपस में, कैसे ज्यादा से ज्यादा बात सामंजस्य हो, ये तो अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी में तो संवाद शून्य है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने राष्ट्रीय नेतृत्व की बात ही नहीं मानते हैं। ठोक दो की राजनीति पर चल रहे उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी, किसान आत्महत्या कर रहा, सरकार को चिंता ही नहीं है। अंशु जी आप मेरी बात सुनेंगे? बिल्कुल बोलिए। अंशु जी देखिए, यहाँ दूसरी पार्टी की बात नहीं हो रही है, बात आपकी पार्टी की हो रही है, बात कांग्रेस की हो रही है, तो आपसे सिर्फ मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि दिल्ली में जो विधायक हैं, जो भूपेश बघेल के समर्थक हैं, वो क्यों जमा हुए हैं और इसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर क्यों देखा जा सकता है? ऐसी क्यों खबरें लगातार सामने आ रही है, क्या वजह है इसकी? बिल्कुल मैं अपनी ही पार्टी की बात कर रहा हूं। मैं ये बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी में संवाद है प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व में, लोकतंत्र है, भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं मानते अपने राष्ट्रीय नेतृत्व की बात, सरेंडर कर दिया उनके सामने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और राष्ट्रीय नेतृत्व को। देखिए यही फर्क है कांग्रेस और बीजेपी में कि आदित्यनाथ जब मिलने नहीं जाते तो बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व को लखनऊ भेजना पड़ता है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से बात करने। आप दूसरे परिवार को क्यों पीछे ला रहे हैं अंशु जी? देखिए हमारा जितना भी प्रदेश का नेतृत्व है वो अपने राष्ट्रीय नेतृत्व में आस्था रखता है और उसी क्रम में श्री भूपेश जी बघेल जी भी मिले, टी एस सिंहदेव भी मिले, दूसरे एमएलए भी मिले, नेता है, विधायक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इसका उल्टा हो रहा है। दिल्ली को लखनऊ आना पड़ रहा है क्योंकि जो अहंकारी मुख्यमंत्री हैं, जनता इनको 2022 में इनका हिसाब किताब करेगी। देखिए 2000 किसान करेंगे, 2022 में जो होगा वो देख लेंगे। अभी फिलहाल आप सुनिए, उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ गया है, आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं इस पे तो बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं जिस पे बात कर रही हूँ आप उसका जवाब ही नहीं दे रहे हैं। मैंने जवाब दिया ना आपको, मैंने क्या कहा कि हमारा जितना भी प्रदेश नेतृत्व है उन सब का राष्ट्रीय नेतृत्व में पूर्ण विश्वास है, आस्था है और आपस में संवाद के लिए जाते हैं, गए थे। ठीक है, तो यानी छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं बदलने वाला, ऐसा नहीं हो रहा है, यानी छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं बदलेगा, आना पड़ रहा है लखनऊ। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ही रहेंगे आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में श्री भूपेश बघेल जी अच्छे काम कर रहे हैं, जनहित के काम कर रहे हैं, किसानों के लिए उन्होंने राजीव गांधी कृषि योजना के तहत लोगों को कर्जा माफ किया। मैंने मान लिया कि छत्तीसगढ़ में कुछ बदलाव होने वाला है। आपका बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो यहाँ पर जितने भी कांग्रेस के विधायक हैं, जो भूपेश बघेल के समर्थक हैं, वो दिल्ली में इकट्ठा हो गए हैं, इसे शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन अगर हम बात करें कांग्रेस प्रवक्ताओं की या कांग्रेस नेताओं की, तो उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि एक कैजुअल सी ये मुलाकात थी, इस मुलाकात को लेकर कई मायने नहीं निकाले जा सकते, लेकिन आगे चलकर क्या कुछ बदलाव हो सकता है इस पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, लगातार आप बार बार उनसे क्वेश्चन कर रहे थे लेकिन वो सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी ऐसा नहीं करती है, दूसरी पार्टी का लगातार जिक्र कर रही है। लेकिन हम जो उनसे सवाल पूछना चाह रहे थे उनका सीधे सीधे जवाब उन्होंने नहीं दिया है, हाँ लेकिन सवालों से वो बचते हुए जरूर नजर आए हैं। तो छत्तीसगढ़ का एक पूरा मामला है जहां पर राजनीतिक रस्साकसी जो है वो लगातार देखी जा रही है, वरना चार दिनों में इतनी मुलाकातें बहुत बड़ी एक मायने रखती है और इसके बहुत सारे जो मतलब हैं वो निकाले जा सकते हैं। तो राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा के मद्देनजर मुख्यमंत्री का समर्थन करने जो विधायक हैं पहुंच रहे हैं, राहुल गांधी और भूपेश बघेल से मुलाकात के पहले करीब 20 विधायकों ने कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पूनिया से भी मुलाकात की। माना यह जा रहा है कि इन विधायकों ने नेतृत्व परिवर्तन नहीं करने और बघेल को ही मुख्यमंत्री बनाए रखने की पैरवी की है। आगे बढ़ते रुक करें कुछ और खबरों का। सरकार जहां देश में स्वास्थ्य विभाग को चुस्त और दुरुस्त रखने के लिए तमाम योजनाएं चला रही है, वहीं श्रावस्ती की कुछ एएनएम गर्भवती महिलाओं को सरकारी अस्पताल ना ले जाकर अपने घर पर बच्चे का जन्म करवा रही है, जबकि सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध है। लेकिन श्रावस्ती में कुछ ऐसी एएनएम है जो मरीजों से अवैध धन उगाही करने के लिए उनका इलाज अपने घरों पर करती है। ताजा मामला श्रावस्ती के
रामपुर ककरा के सोहरिया गांव का है, जहां पर एएनएम सेंटर में तैनात एएनएम अनीता गुप्ता गर्भवती महिलाओं को सरकारी अस्पताल पहुंचाने के बजाय अपने घर पर ले जाकर बच्चों का जन्म कराती हैं और एक अच्छी खासी मोटी रकम मरीजों से वसूलती हैं। मामले की सूचना मिलते ही चिकित्सा अधिकारी सीएस भंगा ने एक टीम भेजकर जांच पड़ताल करवाई, जहां पर अनीता गुप्ता अपने घर पर गर्भवती महिला का इलाज करने बच्चे को जन्म करा रही थी। वहीं स्वास्थ्य टीम के आदेश पर गर्भवती महिलाओं को उप स्वास्थ्य केंद्र बहादुरपुर पहुंचाया गया और वहां पर दोनों गर्भवती महिला और नवजात शिशु बेहतर हैं, उनका स्वास्थ्य भी बेहतर है। सरकार तमाम योजनाएं चलाकर गरीबों को अनेक सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं। वहीं अनीता गुप्ता जैसी एनएम सरकार की योजनाओं पर पलीता लगाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती हैं। इस बारे में जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एपी भार्गव से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामले की जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी। श्रावस्ती का ये पूरा मामला है जहां पर इस तरह की लापरवाही जो है वो हो रही है, जहां पर एएनएम अस्पतालों में इलाज के बजाय अपने घर पर मरीजों का इलाज करती हैं। एएनएम घरों में डिलीवरी का अवैध वसूली कर रही है, स्वास्थ्य विभाग ने पहुंचकर जांच भी की, आपके तरफ से सर क्या कार्रवाई की जाएगी? ये मामला अभी मेरे संज्ञान में तो नहीं आया है, अगर आप बता रहे हैं तो इस तरह की मैं जाँच कराऊंगा और अगर जो भी उसमें दोषी पाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी नंद किशोर मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं श्रावस्ती से। नंद किशोर, ये मामला जो है कब उजागर हुआ है, क्या इससे पहले भी इस तरह की तस्वीरें अस्पतालों में देखने के लिए मिली हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये पूरा मामला जनपद श्रावस्ती के रामपुर ककरा के सौरैया गाँव का है, जहाँ पर एएनएम सेंटर में तैनात एएनएम अनीता गुप्ता गर्भवती महिलाओं का प्रसव अपने ही घर पर कराती है, जिससे उनकी आमदनी में वृद्धि हो सके। आपको बता दें कि जहाँ एक तरफ सरकार स्वास्थ्य सेवाओं की योजनाओं को विस्तार देने के लिए तरह तरह की योजनाएं चला रही हैं, वहीं सरकार की योजनाओं को इस प्रकार की एएनएम जो है पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। सरकार ने इन गर्भवती महिलाओं की सुविधा के लिए 102 एम्बुलेंस की भी चला रही हैं, ताकि ग्रामीण व दूर दराज के मरीजों को आसानी से सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सके। लेकिन इस प्रकार की कर्मचारी अपनी जेब गर्म करने के लिए किसी भी के जीवन से खिलवाड़ कर रही है। आपको बता दें ये एएनएम इतनी दबंग प्रवृत्ति की है की यहाँ की क्षेत्रीय गर्भवती महिलाओं को मामले का खुलासा कैसे हुआ? क्या जो यहाँ पर गर्भवती महिला पहुंची थी, क्या उनके परिजनों ने इस बात का खुलासा किया है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये जो एएनएम है लगातार अपने घर पर ही प्रसव करा रहे हैं, लेकिन कई बार ये भी हो रहा है कि जो पीड़ित मरीज आते हैं उनके बच्चे भी इस पार कर गए हैं, तो उन्होंने शिकायत की है और जिससे जो वहाँ के जो क्षेत्रीय पीएचसी के प्रभारी हैं उन्होंने अपनी टीम के द्वारा जांच भी करवाया, जिसमें ऑन स्पॉट उनको प्रसव कराते हुए पकड़ा गया, लेकिन अभी तक विभागीय कार्यवाही के नाम पर शून्य है। जी बिल्कुल नंदकिशोर, लगातार हमने देखा है कि जो सरकार है वो लगातार ये कोशिश कर रही है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर हों। श्रावस्ती में ऐसी तस्वीरें पहली बार सामने नहीं आई है, इससे पहले भी एएनएम हो चाहे डॉक्टर्स हो, उनकी ऐसी लापरवाही जो है सामने आई है। अस्पताल की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, क्या उन्होंने जिम्मेदारी ली है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जब इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी एपी भार्गव से बात की गई तो उन्होंने सीधे ही कह दिया कि फिलहाल इस मामले में जांच करवाई जाएगी और जांच में अगर ये दोषी पाई जाती हैं तो इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी चलिए ठीक है नंदकिशोर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो ये पूरा मामला श्रावस्ती का है, जहां पर एएनएम जो है वो सरकारी योजनाओं पर पलीता लगाती हुई नजर आ रही हैं, अस्पताल की जगह अपने घर पर मरीजों को ले जाती हैं, गर्भवती महिलाओं को ले जाती हैं, वहां पर उनका इलाज कराती हैं। ऐसे में जब अस्पताल के जो डॉक्टर हैं उनसे बात करने की कोशिश की, अस्पताल प्रबंधन से बात करने की कोशिश की, तो वो इस पूरे मामले पर पल्ला झाड़ते हुए और बचते हुए नजर आए हैं। हालांकि जब इस पूरे मामले में आगे जाकर जांच करने की बात कही गई है तब ये कहा जा रहा है कि जितने भी मामले सामने आए हैं और जितने लोगों ने शिकायत की है उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो श्रावस्ती का ही पूरा मामला है, जहां पर अस्पताल की जगह घर पर ही एएनएम जो है वो मरीजों का इलाज करवाती हैं और बदले में एक मोटी रकम यानी कि धन उगाही करती हैं। सरकारी योजनाओं का जो लाभ है वो भी इन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि जो योजनाओं का लाभ है वो सारा का सारा एएनएम या ऐसे तमाम डॉक्टर्स के पास चला जाता है जो कि पूरी तरह से लापरवाह हैं और सरकारी योजनाओं पर पलीता लगाते हैं।
वहीं गौना में घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है, जिसके चलते अन्य सहायक नदियां भी अब उफान पर बह रही हैं। इस क्रम में रेढ़ी नदी भी उफान पर है, जिस वजह से सड़कों और पुल पर भी पानी आ गया है। यातायात की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाने वाले कटरा गौंडा रोड के चंदवतपुर घाट पुल पर भी पानी आ गया है, जिससे लोगों को आवागमन में कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। साथ ही लोग जान जोखिम में डालकर आवागमन करने को पूरी तरह से मजबूर हैं। वहीं दूसरी ओर सहायक नदी रेढ़ी नदी में जलकुंभी की सफाई ना होने के चलते भी हाल बेहाल हो रखे हैं। पिछले साल भी इन्हीं कारणों के चलते कई गाँव में बाढ़ जैसे हालात बने हुए थे, लेकिन स्थिति जस की तस है। यानी कि हर साल इस तरह की परेशानियों का सामना आसपास के लोगों को करना पड़ता है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये पुल है या नदी, ये कह पाना मुश्किल हो रहा है, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये पुल के ऊपर पानी आ गया है, लेकिन ये कहना कि ये पुल है, ये पूरी तरह से गलत साबित हो रहा है। जो वाहन यहाँ पर से निकल रहे हैं वो भी पूरी तरह से डूबते हुए नजर आ रहे हैं। तो गोंडा में लगातार बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर हैं, ऐसे में आसपास के जो इलाके हैं उनमें पानी भर गया है। सड़कें पूरी तरह से तालाब में तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं, जिसकी बानबीन तस्वीरों में देखी जा सकती है। वहीं पीलीभीत में जंगल से बाहर खेत में विचरण करने आए एक हिरण को अजगर ने जकड़ लिया, जिसके बाद अजगर के जकड़ में ही हिरण की मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर से हिरण के शव को छुड़ाकर विशालकाय अजगर को जंगल में छोड़ दिया। साथ ही हिरण के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। थाना हजारा क्षेत्र के श्रीनगर गाँव की पूरी घटना है। ये पूरा मामला पीलीभीत का है, जहां पर खेत में एक अजगर ने हिरण को अपना शिकार बना लिया, जिसके बाद वन विभाग मौके पर पहुंचा है। हिरण के शव को अजगर से निकलवाया और उसके बाद विशालकाय अजगर को वापस जंगल में छोड़ दिया। तो पीलीभीत की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर एक विशालकाय अजगर ने खेत में हिरण को जकड़ लिया और उसके जकड़ से हिरण की मौत हो गई, हिरण की जान चली गई, जिसके बाद सूचना वन विभाग को दी गई। वन विभाग मौके पर पहुंची है और हिरण के शव को जो अजगर की जकड़ थी उससे निकलवाया है और फिर विशालकाय अजगर को वापस जंगल में छोड़ दिया गया। तो पीलीभीत की तस्वीरें हैं, जहां पर खेत में अजगर मिलने से हड़कंप मच गया और वहीं विशालकाय अजगर को देखने के लिए आसपास ग्रामीणों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई। तो कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने अजगर को सुरक्षित छोड़ा है जंगल में। वहीं लखीमपुर खीरी में पलिया के प्रमुख व्यापारी नेता रवि गुप्ता ने कोरोना के कारण बंद हुए जिले की इंडो नेपाल सीमा को खोलने की कवायद तेज कर दी है। व्यापारी नेता रवि गुप्ता ने नेपाल के जिला अधिकारी खगेंद्र प्रसाद रिजाल और एसपी को ज्ञापन देकर इंडो नेपाल के गौरी फंटा बॉर्डर को दोनों देशों के व्यापारियों और आम नागरिकों के हित में खोलने की मांग की थी। साथ ही बॉर्डर संबंधी समस्याओं से भी नेपाल के अधिकारियों को अवगत कराया गया और भारतीय नागरिकों का विशेष ख्याल रखने की मांग की है। तो वहीं नेपाल के डीएम ने भी बॉर्डर को खोलने का आश्वासन दिया है। लखीमपुर खीरी का ये पूरा मामला है, जहां पर जो नेपाल बॉर्डर खोलने की मांग जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। दरअसल व्यापारियों के लिए और आम लोगों के लिए ये बॉर्डर खोलने की कवायद जो है वो लखीमपुर खीरी में तेज हो रही है। दरअसल लखीमपुर खीरी में पलिया के प्रमुख व्यापारी नेता रवि गुप्ता ने कोरोना के बंद हुए जिले की इंडो नेपाल सीमा को खोलने की कवायद तेज कर दी है। मैं भारत नेपाल बॉर्डर के लोगों आम जनमानस की समस्या को लेकर अभी नेपाल के डीएम और एसपी से मिला हूं और मैंने उनसे निवेदन किया है कि आप शीघ्र से शीघ्र भारत नेपाल सीमा को खुलवाने का प्रयास करिए, ताकि दोनों तरफ के देशों के व्यापारियों और आम जनमानस को हो रही दिक्कतें समाप्त हों। मेरी बात को गंभीरता से लिया गया है, वह ऊपर बात करेंगे और सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही भारत नेपाल सीमा आम नागरिकों के लिए पूर्ण रूप से पहले की तरह खोल दी जाएगी और लोग अपना व्यापार और आवागमन फिर से सुचारू रूप से जारी रख सकेंगे।
पीलीभीत के सदर कोतवाली इलाके के शेर मोहम्मद इलाके में रियाज अहमद, मिराज अहमद और नाजिम परवेज के नाम से एक प्लॉट है, जिस पर मोहसिन रजा ने फर्जी तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेकर उसको बनवाना शुरू कर दिया। पीड़ित को जब मामले की जानकारी हुई तो पीड़ित पक्ष ने मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से की, जिसके बाद काम को रुकवा दिया गया। साथ ही पीड़ित पक्ष ने स्टे ऑर्डर कराकर काम को रुकवाया है। वहीं आरोपी मोहसिन रजा ने अपनी बेटी की तरफ से रियाज अहमद पर करीब 8 दिन बाद फर्जी दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसके बाद पीड़ित पक्ष के लोग एसपी आवास पर पहुंचे। पीड़ित पक्ष के लोग पुलिस लाइन स्थित एसपी कार्यालय पर पहुंचे, जहां पीड़ित पक्ष के आधा दर्जन से ज्यादा महिलाओं ने एसपी पीलीभीत से मामले की लिखित शिकायत की और मामले की जांच कराकर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं एसपी ने मामले की जांच कराकर कार्रवाई कराने का आश्वासन भी दे दिया है। पीलीभीत का एक पूरा मामला है, जहां पर एक जमीन पर काम करवाने को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस पूरे मामले में दोनों पक्ष के लोगों जो हैं वो थाने पहुंचे हैं और अपनी अपनी शिकायत दर्ज कराई है। तो पीलीभीत का एक पूरा मामला है, जहां पर दुष्कर्म का फर्जी मुकदमा दर्ज कराने की यहां पर धमकी दी गई है। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि अगर जमीन नहीं छोड़ी गई तो फिर आगे और फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा सकते हैं। तो पीलीभीत का एक पूरा मामला है, तो जहां पर जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद चल रहा था, जिसमें फर्जी मुकदमे भी दर्ज कराए गए हैं और उसके आधार पर फिर पीड़ित पक्ष ने थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करवाई है। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है आत्रा से, जहां पंचायती राज कार्यालय में तैनात बाबू का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ है। पंचायत घर की फाइल को आगे बढ़ाने के एवज में 9,000 रुपए की रिश्वत लेते विभाग का बाबू कैमरे में कैद हो गया। सीट पर बैठकर रिश्वत के नोट गिनते हुए वीडियो वायरल हुआ है। इसमें पंचायती राज का बाबू जो है वो कैद हो गया। पंचायती घर के निर्माण को लेकर कमीशन के नाम पर ठेकेदार से रिश्वत मांगी है। हाथरस के सांसरी तहसील में पंचायती राज विभाग में तैनात सहायक लेखाकार का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हो रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त हाथरस से मिल रही है, जहां पर रिश्वत देते कैमरे में कैद हुआ विभाग का बाबू ठेकेदार से 9,000 की रिश्वत लेते वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। हाथरस के पंचायती राज कार्यालय का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है हाथरस से, पंचायती राज कार्यालय में रिश्वत लेते बाबू का वीडियो वायरल हुआ है। ये वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से नोट गिनते हुए बाबू जो है आराम से कुर्सी पर बैठा हुआ है। दरअसल पंचायत घर की फाइल को आगे बढ़ाने को लेकर ठेकेदार से रिश्वत मांगी करीब 9,000 रुपए की, और आराम से कुर्सी पर यहां बैठे बाबू ने नोट गिने और आराम से ये वीडियो बना लिया गया और वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हाथरस का एक पूरा मामला, जहां पर पंचायत घर की फाइल को आगे बढ़ाने के लिए रिश्वत ली गई है, जिसका वीडियो तेजी के साथ वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल पंचायत घर की फाइल जो थी उसे आगे बढ़ाना था, उसका कुछ काम करवाना था, तो ठेकेदार यहां बाबू के पास पहुंचा और जब इस बात की जानकारी दी गई और जिक्र किया गया तो फिर यहां पर रिश्वत मांगी गई करीब 9,000 की, जिसके बाद रिश्वत दे दी भी गई और उसके बाद नोट गिनते हुए ये वीडियो बना लिया गया और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल कर दिया गया है। हाथरस का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर पंचायत घर की फाइल को आगे बढ़ाने को लेकर रिश्वत मांगी गई है। पंचायत घर के निर्माण को लेकर कमीशन के नाम पर ठेकेदार से रिश्वत मांगी और ये वीडियो आसानी से बना लिया गया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। तो सीट पर बैठकर रिश्वत के नोट गिनते हुए वीडियो में ये पंचायती राज का जो बाबू है वो आसानी से नजर आ रहा है। तो एक एक करके हरे हरे जो नोट है वो गिनता हुआ ये बाबू नजर आ रहा है। पंचायत घर की फाइल को आगे बढ़ाने के एवज में 9,000 रुपए की रिश्वत लेते विभाग का बाबू कैमरे में कैद हो गया है। हाथरस का पूरा मामला, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है कि जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं, जितने भी भ्रष्ट ऐसे कर्मी हैं जो रिश्वत ले रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जाए।
और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी दीपेश कुमार मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपेश, लगातार हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे भ्रष्ट कर्मी अब भी मौजूद हैं, बहुत सारे भ्रष्ट अधिकारी अब भी मौजूद हैं, जिनके जो वीडियो हैं वो तेजी के साथ वायरल होते हैं। ताजा मामला ये सामने आया है हाथरस से, क्या कुछ अपडेट है? जी काजोल, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला जो है वो सातवीं तहसील के पंचायती राज विभाग का है, जिसमें सहायक लेखा कर बाबू ने 9000 रुपए की रिश्वत लेते का ये वीडियो वायरल तेजी से हो रहा है। इसकी जानकारी जिलाधिकारी को पढ़ने के बाद जिलाधिकारी ने एक्शन लेते हुए बताया है कि जैसे ही मामला संज्ञान में आया है हम इसकी जांच पड़ताल में जुट चुके हैं और जैसे ही अगर कोई भी वो होता है तो कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जब वीडियो सामने है और ये पता है कि किस काम को कराने के एवज में ये रिश्वत मांगी गई है, वीडियो भी सामने आ चुका है, तो फिर कब कार्रवाई होगी? जी आज ये वीडियो जो है वो कल का बताया जा रहा है। इसमें कार्यवाही को लेकर जिलाधिकारी रमेश रंजन द्वारा बताया गया कि इसकी कार्यवाही जल्दी की जाएगी। बिल्कुल, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ऐसी तस्वीरें जो है लगातार सामने आती है, रिश्वत लेते हुए कई वीडियो पहले भी वायरल हो चुके हैं, इस पर लगाम लगाने के लिए एक्शन सरकार लेती है, लेकिन प्रशासन वो एक्शन क्यों नहीं ले पाता? जी इसमें कहीं ना कहीं जो अधिकारी होते हैं ऊपर से नीचे तक सभी मिली जो भगत होती है, एक तरफ इसी वीडियो को देखें कि 9000 रुपए का केवल एक फाइल बढ़ाने का रिश्वत लिया जा रहा है, तो कितने और आम जनता से कितना रिश्वत लेते होंगे ये बाबू, ये कहीं ना कहीं सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो राज कार्यालय में तैनात बाबू का रिश्वत लेते वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, सिर्फ एक फाइल पर काम कराने को लेकर 9000 रुपए की रिश्वत यहां ली गई है, और आराम से जो बाबू है कुर्सी पर बैठा हुआ है नोट गिनते हुए नजर आ रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यहाँ पर वीडियो उसका बनाया जा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।